नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत। एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की गणित पाठ्यपुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 16 समय पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा रोचक पाठ है जिसमें कि समय से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया जा रहा है। समय में पूर्वहन, अपहरण, AM PM के बारे में, घड़ी के बारे में, रात का समय और 24 घंटे की घड़ी कौन सी होती है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को समय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पहले पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं, तो ये पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहता है। अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर एक नवाचार क्रियान्वित करेंगे जिसका नाम है प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है, बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। अगर प्रश्न बैंक नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं समूह में मिलकर। साथ ही अगर बात करें तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और बच्चों को कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। और पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चों को, जैसे मैंने आपको बताया, पूर्वहन, अपहरण, समय से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास या दोहराने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर अब हम बच्चों को निर्देश देंगे कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है, इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही शिक्षक को निर्देश दिए जाएंगे कि सही बच्चे इसमें प्रतिभाग करें, नवाचार में ऐसा शिक्षक सुनिश्चित करें। साथ ही सभी बच्चे अनुशासन में रहें ऐसा भी शिक्षक सुनिश्चित करें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें समय से संबंधित जो समय पाठ है इससे संबंधित, अब हम आपको क्रियान्वयन की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं समय पाठ से संबंधित। प्रश्न में एक नवक नवाचार में क्या करेंगे कि बच्चों को बताएंगे कि बच्चों हमें पाठ का पुनर्अध्ययन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि ग्रुप में बटना है। सबसे पहले एक हम नवाचार क्रियान्वित कर रहे हैं क्योंकि, तो 15 बच्चे हो तो पहले 5-5 के अब 3 ग्रुप बना लें, बच्चे ग्रुप में बट जाते हैं। इसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि आप अपने ग्रुप में बैठने के बाद आप इस पाठ के ऊपर फिर से पढ़िए, समय पाठ को पढ़ते हुए समझते हुए आपको जो भी प्रश्न लग रहे हैं उन प्रश्नों को आप बनाइए। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को बच्चे बनाना चालू करते हैं। इसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि आप अपने ग्रुप का एक लीडर भी चुन लें और उस लीडर की जिम्मेदारी ये होती है ग्रुप में वो ये देखे किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो तो उन प्रश्नों को इकट्ठा करके दूसरे ग्रुप लीडर के साथ साझा किया जाता है ताकि दूसरे ग्रुप लीडर को पता चले कि किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इसके बाद उन प्रश्नों को इकट्ठा करके शिक्षक तक पहुंचाया जाता है और शिक्षक उन प्रश्नों के उत्तर, जो बच्चों ने प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों के उत्तर बच्चों को उत्तर पुस्तिका पर लिखाते हैं और बच्चों के पास एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो जाती है जिसमें बच्चों के द्वारा दिए हुए प्रश्न और शिक्षक के द्वारा बताए हुए उत्तर उसमें लिखे होते हैं। और इस प्रकार बच्चे इस उत्तर इस प्रश्न बैंक का उपयोग बच्चे एग्जाम के टाइम पे, पेपर के टाइम पे, कभी भी इस प्रश्न बैंक का उपयोग करके अपने पाठ का पुनर्अध्ययन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा नवाचार है जिससे बच्चों के पास हमेशा के लिए प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो गई। बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को भी तैयार करते हैं समय पाठ से संबंधित, जैसे कि घड़ी में छोटी सुई क्या दर्शाती है, घंटे के लिए दर्शाती है, और बड़ी सुई मिनट के लिए। एक पतली सुई छोटी बड़ी सुई क्या दर्शाती है, सेकंड का लिए दर्शाती है कि सेकंड बताती है वो। इस प्रकार से समय पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को बच्चे समझते हैं और उससे संबंधित बच्चे प्रश्न बनाते हैं और बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत आसानी से हो जाता है प्रश्न में एक नामक नवाचार के माध्यम से। और हमेशा के लिए बच्चों के पास एक प्रश्न बनकर तैयार हो जाती है जिसका उपयोग बच्चे कभी भी कर सकते हैं। तो देखा जाता है कि समय पाठ का पुनर्अध्ययन प्रश्न में एक नामक नवाचार के माध्यम से बहुत अच्छे से किया गया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, उत्सुक हुए बच्चे और बच्चों को रोचक भी लगा। तो आप भी इसको अपने कक्षा में या अपने विद्यालय में या अपनी क्लास में जरूर क्रियान्वित करें। तो ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIII फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।